अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग आए थे फ्रीज़र बाय करने के लिए, तो वो शॉप अभी बंद थी और वो ओपन होनी थी 12:30 पे। तो साथ वाली शॉप में हम आए और हमने बच्चों को दिखाई ये कुछ चीज़ें, तो बहुत ही प्यारी फिश थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है, इतनी खूबसूरत फिशेस थी और कुछ तो दिल करता है उन्हें देखते ही जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ में थोड़ी सी वीडियो बना लूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि हम लोग कहाँ गए थे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के। तो ये और फिश हैं, इतनी प्यारी फिशेस थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसके बाद हम लोग सारी शॉप में घूम फिर रहे थे और चीज़ें देख रहे थे। उसके बाद बच्चों ने मुझे बताया कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी देखती हूँ। ये टर्टल्स थे, छोटे छोटे से ना, बेबी टर्टल्स थे, इतने क्यूट थे, इतने प्यारे थे और बहुत ही छोटे थे। और एक तो छुप भी गया था हम लोगों से डर के। तो वैसे तो हम लोग भी कुछ चीज़ें देख लें तो डर जाते हैं और जल्दी से कोशिश करते हैं भागने की, इसी तरह ये लोग भी इंसानों से डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। और ये कुछ वर्म्स और कुछ ऐसे वो टिड्डे टाइप कीड़े थे जो कि एज अ फूड यूज़ होते हैं यहाँ पर, यहाँ से लोग बाय करते हैं और अपने एनिमल्स जो उन्होंने उनके पेट होते हैं उनका फूड होता है। ये देखें, ये एक है गिरगिट टाइप, तो इसका फूड तो ये ग्रीन लीव्स हैं और एक इसके अंदर था, तो जो इसके अंदर था ऊपर वाले में उसका फूड वो टिड्डे ही थे ब्लैक वाले। और ये नीचे स्नेक भी था, ये मैंने बाद में देखा क्योंकि ये कोने में छुप के बैठा हुआ था, शायद वो भी हमसे डर रहा था। तो ये टिड्डे उसने मेरे सामने ही उसको डाले हैं ब्लैक कलर के। तो उसके बाद आ गए थे हम मॉल में। मॉल में मैंने की कुछ शॉपिंग, तो मैंने जाना है और आप लोगों के लिए भी एक न्यूज़ है, तो फिर मैंने कहीं पे जाना है तो उसकी कर रही हूँ मैं शॉपिंग। तो लेकिन वो न्यूज़ मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप गेस कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि, और मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन गेस सही करता है। तो ये मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी, ये वाला मैंने बाय किया है फ्रॉक अपनी बेटी के लिए। और इसके बाद ये वाला मैंने नहीं किया बाय। तो मेरे फ़ोन में एक मैसेज आ गया था जो कि मैं देख रही थी, बहुत ही प्यारे फ्रॉक थे यहाँ पे। ये टीके मैक्स में मैं आई थी, सॉरी मैंने आपको बताया ही नहीं। तो बस एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी, तो जो कि कुछ टेढ़ी भी बन गई है और बीच में कुछ सीधी है, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ है। लेकिन मैंने तो फ़ोन ठीक रख के ही वीडियो बनाई थी। आई डोंट नो कि ये एडिटिंग में कुछ शायद प्रॉब्लम हो गया। तो ये फ्रॉक ये लिया है जी मैंने अपनी बेटी के लिए, और इतना इतना प्यारा और इतना क्यूट है, आप लोगों को भी शायद देख के पता चले। मेरी बेटी साहिबा का तो बहुत पसंद आया है, लेकिन इस नीचे भी फेंक दिया था। तो ये पीच था और एक पिंक और पर्पल था, तो मैंने पिंक और पर्पल उसने खुद चूज़ किया। अब आ चुके हैं हम घर और ये है अगले दिन की वीडियो। तो मैं बना रही थी बिरयानी, तो वैसे तो मैंने बहुत बार सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर की है कि मैं कैसे बनाती हूँ, और हाँ जी पैकेट वाले मसाले से ही बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी अपने मसाले भी ऐड करके बनाती हूँ। तो ये है जी मेरा छोटा सा किचन, और ये मैंने एक वीडियो लगाई हुई थी दूसरे फ़ोन पे जो कि मैं सुन रही थी, मस्त मस्त हिलर्स के नाम से एक ये अकाउंट है यूट्यूब पे। तो ये बताते हैं डॉक्टर साहब के आप सूरत रहमान के साथ किस तरह से आप थेरेपी करके, तो कोई सी भी आपको जो प्रॉब्लम है आप वो ठीक कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, या कोई डिप्रेशन है, कोई भी बीमारी है, कैंसर है, इवन के कैंसर के भी जो पेशेंट हैं वो इससे ठीक हो गए हैं, और डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है सूरत रहमान थेरेपी, ये करवाते हैं डॉक्टर साहब। और ये कहते हैं आप आगे खुद बताएं, जो कि 7 दिन पढ़नी होती है और उसके बाद आंखें बंद करके दुआ करके
تین بار اللہ کہہ کے آپ کو پانی پینا ہوتا ہے، اور جو لوگ مسلم نہیں ہیں وہ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ کی جگہ آپ جس کا چاہے نام لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو بھی نہیں مانتے، جہاں تک میں نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو سنی ہے تو وہ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو بھی نہیں مانتے تو آپ تین بار اپنا نام لے کر ہی پانی پی لیں. تو یہ ہے جی، میں نے بریانی بنائی اور جلدی جلدی سے میں بھاگ کے بچوں کو لینے کے لیے گئی، کیونکہ آج گھر میں کار نہیں تھی تو مجھے خود جانا تھا. تو میں بائی واک گئی اور بھاگ بھاگ کے میں نے سب سے پہلے بریانی کو دم بند کیا، اور میں بھاگ بھاگ کے گئی، اور میں اتنے میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکی کہ بریانی کس طرح کی ریڈی ہوئی ہے. اب گھر جا کے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کی بریانی بنی ہے. بچے تھک چکے تھے بہت لمبی واک کر کے، اور بہت لمبی واک جو ہے وہ صرف 15 منٹ کی ہے، بچوں کو بہت زیادہ لگتی ہے لیکن ہے جسٹ 15 منٹ کی. تو میں ان کو لے کے واپس جا رہی تھی، تو گھر پہنچ کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہماری بریانی کیسی لگ رہی ہے. اور میں آج کل کر رہی ہوں بہت بہت زیادہ شاپنگ، تو میں آپ کو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی. تو یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی بریانی، یہ میں نے ڈالی ہے. ٹھنڈے کر رہی ہوں چاول، بچوں کے لیے ابھی بہت گرم تھے کیونکہ ابھی دم کھولا ہے میں نے آ کے. تو یہ ہے جی بریانی، ریڈی ہو گئی ہے. تو جس جس نے کھانی ہے وہ آ جائیں. تو اور اب اس کے ساتھ ہی میری بیٹی نے جانا تھا ایک برتھ ڈے پارٹی میں، ہم لوگ جا رہے تھے تو میں نے اس کو ریڈی کیا تھا. میں اپنی ویڈیو نہیں بنا سکی، بیٹے کی بھی نہیں، کچھ پکچرز اتاری تھی. تو یہ میں نے اس کا ہیئر اسٹائل ایک بنایا تھا، اور میں نے یوٹیوب میں ہی دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے. میری فرینڈ بناتی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس طرح اتنے پیارے ہیئر اسٹائل بناتی ہو. یہ اس کا ڈریس ہے، لیگنگ ہے ساتھ پرپل، اور شوز ہیں لائٹ پنک، لائٹ پنک ڈریس ہے. اور یہ اس کا ہیئر اسٹائل ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا. تو اس نے مجھے بتایا تھا یو